साथ हैं अस्सी स्थित ब्रेथ इजी हॉस्पिटल के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर एस के पाठक। आइए इनसे जानते हैं कि कोरोना से कैसे बचें। डॉक्टर साहब, आजकल हमारे मार्केट में कई तरह के मास्क लगा के लोग घूम रहे हैं, सैनिटाइजर्स के प्रयोग पर बहुत सजेस्ट किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि क्या एक हेल्दी इंसान को भी मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर का यूज करना जरूरी है? मैं डॉक्टर एस के पाठक हॉस्पिटल वाराणसी से। कोरोना ये वायरस का इन्फेक्शन है और एक तरह से कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस की फैमिली का ही मेम्बर है, और चूंकि इस पर वैक्सीन होने के कारण इसका कोई इलाज ना हो, ये महामारी के रूप में तब्दील हो चुकी है और WHO ने इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया, पेंडेमिक घोषित कर दिया, और इस पर सचेत रहने की ज़रूरत है क्योंकि इसका कोई इलाज न होने के कारण इस पर सचेत अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एयर बार्न डिजीज है, हवा से फैलने वाली है, सांस से फैलने वाली बीमारी है, तो किसी की कांटेक्ट में कभी भी आके ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। लेकिन इसमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट। कोरोना अगर किसी को है तो आप कैसे पहचान पाएंगे? इस बीमारी का प्रमुख 3-4 लक्षण होते हैं जो आप ध्यान से सुने। पहला लक्षण ये है कि कॉमन कोल्ड सिम्टम तो होता है, उसके साथ ड्राई कफ आएगा, उसके बाद तेज बुखार भी हो सकता है और साथ में सांस लेने में तकलीफ है। अगर ये 3 या 4 लक्षण मिल रहे हैं तो कोरोना की संभावना है, ये नहीं है कि आपको कोरोना हो चुका है। अगर संभावना है तो आपको स्पेशली सेंटर कुछ इंडिया में डेवलप हो चुके हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कई सारे फैसिलिटीज डेवलप हो गए हैं जिसे डिटेक्ट करने के लिए। अगर ये लक्षण है तो आप जाके डॉक्टर से, चिकित्सक से सलाह लें और आगे का जो परीक्षण होता है वो वायरस टेक्नोलॉजी और कल्चर करके किया जाता है, और ये वायरस कई सारे सेंटर इंडिया में अवेलेबल हैं जिसमें जाके इसकी डिटेक्शन किए जाते हैं कि 100% आपको कोरोना है। लेकिन अगर ये 3-4 लक्षण हैं, जैसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम प्रॉब्लम है, तेज बुखार है, साथ में आपको ड्राई कफ आ रहा है और साथ में तकलीफ है, ये लक्षण दर्शाते हैं कि आपको कोरोना है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल खांसी आ रही है, छींक आ रही है, सिंपल कॉमन कोल्ड है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको पूछा कि फेस मास्क का यूज़, सैनिटाइजर का यूज़ क्यों ज़रूरी है, फेस मास्क इसलिए आम पब्लिक में ये धारणा बनाई जा रही है कि आप यूज़ करें, क्योंकि आप जब खांसते हैं, छींकते हैं तो कई सारे ऐसे ड्रॉपलेट और माइक्रो आदमी हवा में निकलते हैं सांस के रास्ते से, जो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मास्क यूज़ करते हैं तो जो भी कफ करते हैं वो बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, और दूसरा कोई अगर कोई कफ करता है आपके आमने सामने तो उसके भी ड्रॉपलेट आपके सांस की नली में नहीं जाएंगे। और सैनिटाइजर का रोल ये है कि चूँकि ये जो वायरस है ये किसी भी सरफेस पर अगर लंबे समय तक 7 से 8 दिन रह सकता है, अगर किसी ने ड्रॉपलेट खांसी कर दिया है किसी सरफेस में या हाथ से कहीं टच कर दिया उसने खांसी करते समय, तो वो वायरस उस जगह पर 6 से 7 दिन सर्वाइव रह सकता है। तो अगर आप वहाँ पर टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, तो आपके हाथ पर टच हो सकता है, तो उस कंडीशन में वो कभी भी आपके नाक से, मुँह से और रास्ते से आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए सैनिटाइजर का यूज़ करने से आपके जो हाथ में बैक्टीरिया है, वो वायरस हैं, वो किल हो जाते हैं और आपको फैलने से रोकते हैं। एक मिनट।